बलिया के सरदातपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां गांव के प्रधान प्रतिनिधि और बेटे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे में हेरफेर किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बीडीओ को मामले की जांच के आदेश दिए और जांच में दोषी पाए गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नहीं, इसमें सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि इसमें कोई भी मतलब एक तो जागरूक किया जा रहा है सभी को, और इसी के साथ साथ उनको भी निर्देशित भी किया जा रहा है जो संबंधित वीडियोज़ हैं, सेक्रेटरी हैं, कि कहीं पर भी इस तरह की पैसे वगैरह लेने की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं तुर्कीपुर गांव में भी इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जहां आवास के नाम पर प्रधान प्रतिनिधि ने लाभार्थियों से 20,000 रुपये लिए, जिसको लेकर गरीब विधवा पीड़ित ने विकास अधिकारी को शिकायत कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।